इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि के महाराशिफल के बारे में जून 2021 के लिए। सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे कि क्या आपके साथ अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, क्या खुशियां आएंगी और क्या दुख आएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। कुछ उपाय भी इस वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे। वीडियो को देखने के बाद कॉमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जून माह सेहत के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। ग्रहों के राजा सूर्य छठे भाव में विराजमान है और वहां उनके साथ छाया ग्रह राहु भी बैठे हुए हैं। छठा भाव रोग, शत्रु और ऋण का भाग कहा जाता है और छठे भाव में सूर्य और राहु की युति के परिणाम स्वरूप आपको स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां होने की आशंका है। इसके अतिरिक्त शनि और मंगल षडाष्टक योग और समसप्तक योग भी बना रहे हैं। ये योग भी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करने में सक्षम है। इसलिए कुंभ राशि के जातकों को जून माह में ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोई भी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, यह आपके हित में रहेगा। अपने खान पान और दिनचर्या को भी संतुलित रखें। एक प्रसिद्ध कहावत है, एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, यानी सेहत को बनाए रखने के लिए हजार नियमों का पालन करना पड़ता है। ग्रहों की दशा जून माह में आपको ऐसा ही करने का संकेत दे रही है, इस बात की गांठ बांध ले। धनु राशि की जातकों के लिए यह माह ठीक ठाक रहने की संभावना है। करियर को लेकर अच्छा समय है। नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में परिश्रम पर ध्यान देना जरूरी है और विवादों से दूर रहना हितकारी। अपना बुरा चाहने वालों से भी सचेत रहने की जरूरत है। व्यवसाय करने वालों के लिए भी यह काफी अच्छा समय है। व्यापार में वृद्धि के योग दिख रहे हैं। नई योजनाओं पर काम करने से सफलता प्राप्ति संभव है। विद्यार्थी जातकों के लिए यह कठिन परिश्रम का समय है और आप उससे पीछे भी नहीं हटेंगे। प्रतियोगी परीक्षा के लिए समय उत्तम है। मेहनत से सफलता प्राप्त करने में आप सफल रहेंगे। उच्च शिक्षा के लिए अभी कठिन समय है, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी है। विदेश जाकर पढ़ाई करने के आकांक्षी छात्रों के लिए मेहनत करने का समय है। अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आपको थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा। ग्रह गोचर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि इस माह आपका पारिवारिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि के परिणाम स्वरूप माता जी को स्वास्थ्य विकार हो सकता है, उनकी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। भाई बहनों के लिए यह बेहद अच्छा समय है और उनसे आपके संबंध भी बेहतर रहेंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह एक अच्छा समय है। प्रेमी युगलों के बीच हल्की नोकझोंक हो सकती है, लेकिन इससे प्यार में कमी नहीं आएगी। अपने प्रियतम के सामने विवाह का प्रस्ताव रख सकते हैं और उसे विवाह के लिए राजी कर लेने में सफलता मिलने की भी संभावना है। विवाहित जातकों के लिए भी यह समय अच्छा साबित होगा। एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बढ़ेगी। थोड़ी बहुत तकरार संभव है, लेकिन इससे पति पत्नी के बीच तनाव नहीं होगा। 2 जून के बाद से बहुत बढ़िया समय रहने की उम्मीद है। ग्रह गोचर की दशा के मुताबिक आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा मध्यम दिखाई पड़ता है। आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए, अपनी आय बढ़ाने के लिए आपको अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को बढ़ाना होगा। निजी प्रयासों को और बढ़ाने से आर्थिक लाभ संभव है। खर्चों में भी कुछ अधिकता हो सकती है। बिजनेस से अच्छे लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। इस माह आपको स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है। सूर्य और राहु की छठे भाव में युति आपके लिए स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करने में सक्षम है। शनि और मंगल का षडाष्टक योग और फिर समसप्तक योग भी आपके लिए बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने के लिए आप तांबे के पात्र का उपयोग करें और जल में थोड़ा कुमकुम मिला लें। गुरुवार का व्रत रखें जिसमें पीले वस्त्र पहने और बिना नमक का भोजन करें। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र जाप की संख्या कम से कम 108 होनी चाहिए। गुरु का सम्मान करें। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।
वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।